आगे हमारे पास फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी गेट फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। जो मिल्क है, एग्स है, मीट है, हनी है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। तो मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काव, बफेलोज एंड गॉड्स। जो मिल्क है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? काव से, बफेलोज से एंड गॉड्स से। और इनका यूज़ जो है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए होता है, जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया एंड आइसक्रीम। इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मिल्क का। आगे है एग्स, वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, टर्कीज एंड डक्स। यानी एग्स हमें से मिलता है। एग्स आर अ रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स। और एग्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स और विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आगे है मीट, वी गेट मीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो मीट होता है क्या होता है? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम हैंस। कहाँ कहाँ से मिलता है हमें ये? हैंस से, डक से, गॉड से एंड फिश से। इसी तरीके से हनी होता है, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। जो हनी जिसे हम शहद कहते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? हनी बीज से मिलता है। इट इज़ अ टेस्टी एंड द न्यूट्रिशियस फूड। ये बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड होता है। इट यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिंस। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। हनी बीज आर कलेक्ट नेक्टर्स। जो हनी बीज होता है वो नेक्टर कलेक्ट करता है। नेक्टर क्या होता है? जो स्वीट जूस यानी फूलों का जो जूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेक्टर। वो फ्रॉम फ्लावर्स, कहाँ से कलेक्ट करता है? फ्लावर्स से। कन्वर्ट इट इनटू हनीज और फिर उसको किस में जो है कन्वर्ट करता है? हनी के अंदर। एंड स्टोर इट इन द देयर हाइव्स और उसको अपने हाइव्स में स्टोर करता है। द रियरिंग ऑफ द हनी बीज ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड द एपिकल्चर। और रियरिंग जो होता है किस चीज़ के? हनी बीज, हनी का लार्ज स्केल पर उसे हम क्या कहते हैं? जो रियरिंग यानी पालते जो है हम हनी बीज को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपिकल्चर बोलते हैं। व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स जो होते हैं क्या खाते हैं? तो डू यू हैव पेट डॉग और कैट, क्या आपके पास पेट डॉग और कैट है? इफ़ येस देन यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दीज एनिमल्स ईट। तो आपको पता होगा कि जो ये एनिमल है वो क्या खाते हैं। दे ईट ब्रेड, वो क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, मिल्क खाते हैं, चपातीज खाते हैं और मीट खाते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के आइटम्स खाते हैं। वी ऑब्जर्व द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं? अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं। सम ईट ओनली प्लांट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सम ईट ओनली फ्लैश, कुछ फ्लैश खाते हैं यानी मीट खाते हैं ऑफ एनिमल्स का। एंड सम ईट बोथ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या है? दोनों चीज़ें खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स के बेसिस पे वी क्लासीफाई एनिमल्स इंटू हार्विवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। उसको हम तीन भागों में बांटते हैं फूड आइटम के बेसिस पे, हार्विवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स।